नमस्कार, सत्यमेव न्यूज के खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अलवर में सिर फिरे युवक ने विवाहिता की गोली मारकर की हत्या, युवक ने खुद को भी मारी गोली। नई दिल्ली में महात्मा गांधी शहीद दिवस आज, राष्ट्रपति पीएम ने महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। और अजमेर में राजस्थान बोर्ड के एग्जाम 7 मार्च से शुरू, प्रदेश में बनाए गए 5,584 परीक्षा केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम के कारण बुधवार को तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शुक्रवार तक बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 1 फरवरी तक बारिश और हिमपात की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विभोक्ष क्षेत्र सक्रिय होगा। राज्य की राजधानी का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को इसमें 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई। किन्नौर जिले के कल्पा का न्यूनतम तापमान 0 से 6.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि मनाली में ये 0 से 2.4 डिग्री नीचे, कुफरी में 3.4 डिग्री, डलहौजी में 1.3 डिग्री और धर्मशाला का तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि शहीद दिवस पर हम महात्मा गांधी और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। और वहीं मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि हम महात्मा गांधी के दिखाए गए मार्ग पर चलने और उन मूल्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं जिनके लिए वह खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के एक कथन को साझा करते हुए राहुल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता को श्रद्धांजलि दी। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू हो जाएगी। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 7 मार्च से 2 अप्रैल और सेकेंडरी की परीक्षा 14 मार्च से 28 मार्च तक चलेगी। इसमें इस वर्ष 20,14,886 परीक्षार्थी बैठेंगे। प्रदेश में 5,584 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 59 परीक्षा केंद्र संवेदनशील है, 31 अति संवेदनशील है, 4712 परीक्षा केंद्र के प्रश्न पत्र पुलिस थानों और 328 परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र पुलिस चौकी पर और शेष परीक्षा केंद्र परीक्षा पत्र जिला कोषागार में रखे जाने की योजना है। राजधानी जयपुर में शीतलहर के चपेट में फंसे राजस्थान के कई इलाकों में तापमान में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में यहां बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अलवर, चित्तौड़गढ़, टोंक, चूरू और हनुमानगढ़ में बुधवार तक शीतलहर चलती रहेगी। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि बुधवार और गुरुवार को राज्य के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसमें जैसलमेर और बाड़मेर भी शामिल है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान की राजधानी में आसमान साफ रहने की संभावना है और तापमान सामान्य से करीब 3 से 5% नीचे दर्ज किया जाएगा। रतनगढ़ में कल सुबह स्पेशल ट्रेन के द्वारा रेलवे के जीएम टीपी सिंह रतनगढ़ पहुंचे। इस दौरान रेल महाप्रबंधक सुबह 9 बजे उक्त ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म का एक चक्कर लगाकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर औपचारिकताएं पूरी की। 10 मिनट के निरीक्षण के बाद वे उसी विशेष निरीक्षण रेलगाड़ी से जोधपुर रेल लाइन पर निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। उन्होंने जोधपुर ट्रैक पर लोहा से भोजासर पड़िहारा का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर शहर के व्यापारियों सहित कई संगठनों ने रेल समस्याओं को लेकर विभिन्न ज्ञापन भी दिए। जीएम का व्यापार संगठन, अन्य संगठनों द्वारा और रेलवे मैन्स यूनियन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर आरपीएफ, जीआरपीएफ के अफसर, रेलवे के दर्जनों अधिकारी सहित जोधपुर जोन के आला अधिकारी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में दुल्हा दुल्हन से मारपीट, लूटपाट और गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में सपा नेता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बागपत के दोगढ़ थाना क्षेत्र के मोजाबाद नागल निवासी ललित शर्मा की शादी रविवार को परीक्षितगढ़ क्षेत्र के अल्लीपुर आलमपुर निवासी योगेंद्र की बेटी मानसी के साथ हुई थी। रविवार रात बारात लौटते समय पचपेड़ा गांव में दुल्हन की तबीयत खराब हो गई थी। इसी दौरान दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति की दुकान के सामने कार रोकने पर कुछ लोगों ने दुल्हन पर टिप्पणी कर दी, जिसका विरोध करने पर दूसरे समुदाय के युवकों ने दुल्हा दुल्हन से अभद्रता और मारपीट करने के अलावा दुल्हन से लाखों के आभूषण और नकदी लूट ली थी। बारात की अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ कर बारातियों पर लाठी डंडों से हमला बोला था। इस मामले में दुल्हन के भाई की तहरीर पर भावनपुर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, डकैती आदि संगीन धाराओं में केस दर्ज करवाया था। जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज नहीं होने से आए दिन यात्रियों को हादसे का अंदेशा बना रहता है। जवाई बांध स्टेशन पर यात्रियों और सुमेरपुर शिवगंज के रहवासियों द्वारा बार बार आवाज उठाई गई कि जवाई बांध का फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाए, जिसको लेकर आखिरकार बुधवार को फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का शिलान्यास और सोलर प्लांट का लोकार्पण भी किया गया। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर 25 KWP सोलर पावर प्लांट का भी लोकार्पण किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी बारीकी से गिनाई। इस कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक मनीष गुप्ता, शहीद जयबांध रेलवे स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद अपर मंडल रेल प्रबंधक ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अलवर जिले के खैरतल कस्बे के समीपवर्ती गांव रायपुर जाटान में मंगलवार शाम एक सिर फिरे युवक ने विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद युवक ने खुद को गोली मारकर भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लड़की के शव को अलवर अस्पताल के शवगृह पहुंचाया। वहीं लड़के के शव का पोस्टमार्टम अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद से रायपुर जाटान में पुलिस जाप्ता तैनात है। खैरतल थाना प्रभारी बनवारी लाल ने बताया कि मृतक विवाहिता के चाचा अंतर सिंह ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की कि उसके भाई फतेह सिंह की लड़की विवाहिता किरण और उसके मामा की लड़की रीना मंगलवार शाम को खेत में से चारा लेकर आ रही थी। गांव निवासी युवक गोलिया उर्फ धर्मवीर, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र अतर सिंह जाट मोटरसाइकिल से आया। रास्ते में मोटरसाइकिल लगाकर धर्मवीर ने किरण को रोक लिया और उसकी कनपट्टी पर गोली मार दी, जिससे किरण वहीं ढेर हो गई। इसके बाद युवक ने स्वयं को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खैरतल थाना पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा भी बरामद कर जब्त कर लिया है। इधर देर शाम होने की वजह से मृतक विवाहिता किरण का पोस्टमार्टम अलवर अस्पताल के शवगृह पहुंचाया गया। इसके लिए पुलिस ने देर शाम शव को अलवर भिजवा दिया गया। उधर गोली मारकर स्वयं की आत्महत्या करने वाले युवक गोलिया उर्फ धर्मवीर के शव को खैरतल CHC में रखवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अब तक की पड़ताल में मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का सामने आया है। घटना के दौरान किरण के साथ मौजूद रीना ने भी पुलिस को भी इस बारे में बताया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक युवक धर्मसिंह गांव में ही किरण के पिता फतेह सिंह के खेत में काम करता था। करीब 3 साल पहले किरण की हरियाणा में शादी हो गई थी। इसके बाद किरण ने धर्मवीर से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था, जिससे वह उससे खफा था। किरण करीब 15 दिन पहले ही अपने ससुराल से मां की मायके आई थी। धर्मवीर अविवाहित था। अहमदाबाद में GRP पुलिस का बर्बरतापूर्ण चेहरा सामने आया है। जहां एक मासूम नाबालिग को डंडे से जमकर पीटा गया, पुलिस की पिटाई से मासूम के जिस्म पर पड़े निशान GRP पुलिस की बर्बरता बयान कर रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति ने बच्चे का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जयपुर में शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में CM गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी का संदेश आज दुनिया और देश के अंदर जिस रूप में लिया जाता है,
वो हमारे लिए गर्व की बात है। वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें हैं, उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, शासन सचिवालय कर्मचारी, संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आलाधिकारी मौजूद रहे। सुमेरपुर तख्तगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को मात्र एक चिकित्सक के भरोसे ओपीडी सेवाएं रही। मरीजों के कतार में खड़ा रहने से उन्हें परेशान होना पड़ा। दरअसल पाली और जालोर जिले के सरहद पर बसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के पदस्थापन नहीं हो पाया। मरीजों को काफी इंतजार के बाद निजी चिकित्सकों से परामर्श लेना पड़ता है। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के पदस्थापन को लेकर विधायक जोराराम कुमावत ने 18 जनवरी को विधानसभा के प्रथम सत्र में तारांकित प्रश्न लगाया था। प्रश्न में विधायक कुमावत ने तख्तगढ़ में कितने चिकित्सक हैं और कितने पदस्थापित हैं, इस प्रश्न पत्र पर चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और सुमेरपुर BCMO महेंद्र सिंह को जयपुर तलब किया गया था, पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अवगत करवाया कि कुल 7 पदों में से 6 पद खाली है। मंत्री शर्मा ने शीघ्र ही पद भरने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक एक भी चिकित्सक का पदस्थापन नहीं हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बसना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।